ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाकई है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया, जिम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स फराहम करती है। तीसरे नंबर पे 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्नेश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपरेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं, बल्कि शिपरेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले रब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहां हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई रब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से रब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी।
इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थीं उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले दो दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेनसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई थी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर ROV जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस वाकये में अपनी जान गवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदरी मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टेनले नामी एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। One point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।